नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हमारे पास एक माइक्रोमैक्स का सेट है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास एक माइक्रोमैक्स का सेट है, माइक्रोमैक्स D303। और इसमें हमारा ये टच पैड डैमेज है, इसको हम किस प्रकार से रिप्लेस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के, क्योंकि आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी और वो आपसे मिस हो गई तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं महाराज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, आज हमारे पास D303 है माइक्रोमैक्स का। हम आपको ऑन करके चेक करा देते हैं हमारा मॉडल। ये देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है। इसका हम ये डैमेज टच पैड किस प्रकार से रिप्लेस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है और ये हमारा टच वर्किंग में। इसको हम किस प्रकार से रिप्लेस करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें हमारा मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। हम स्विच ऑफ कर लेते हैं हमारे मोबाइल को और हमने ये हमारे मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ होने के बाद में दोस्तों हमें हमारा बैक कवर को रिमूव करना है। ये देखिए हमने हमारा बैक कवर रिमूव कर लिया और बैटरी को रिमूव करना है। ये बैटरी हमने रिमूव कर दी है और ये देखिए हमारा मॉडल है माइक्रोमैक्स D303। अब इसके लिए दोस्तों हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट का इस्तेमाल दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू ओपन करें वो हमारे मैग्नेट के लगा सके, ताकि हमारे कोई भी स्क्रू मिस ना हो। हमें वन बाई वन करके सारे स्क्रू ओपन करने हैं। ये देखिए दोस्तों हमने सारे स्क्रू ओपन कर लिए। अब हमें नेल्स की सहायता से इसको ओपन करना है और इसको हम ओपन करेंगे। इसके लिए हम ट्वीज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, हमें बहुत ही केयरफुली ये करना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब करिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिल सके। हम ये इसको ओपन करेंगे और ये हमारा जो ये स्टिकर है, हमें इस स्टिकर को थोड़ा सा इसको इस प्रकार से रिमूव करना होगा ताकि हमारा ये ओपन हो सके। और अब हमें ट्वीज़र की मदद से इसको अनलॉक कर लेना है। बहुत ही केयरफुली करना है दोस्तों हमें ये। ये देखिए दोस्तों ये हमने हमारा बोन को रिमूव कर लिया। ये हमारा लेंस है, ये हमने इसको रिमूव कर लिया। और ये देखिए हमारा ये टच कनेक्टर है, हमें इसको अनसोल्ड करना है सोल्डर की मदद से। इसको हमें अनसोल्ड करना है। ये देखिए दोस्तों हमने इसको ये रिमूव कर लिया। ये टच कनेक्टर रिमूव करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें हमारी SMD का इस्तेमाल करना होगा। हम SMD की सहायता से इसको हिट करके टच को रिमूव करेंगे। हमें SMD की मदद लेनी होगी इसके लिए। हम SMD से इसको रिमूव करते हैं।
देखिए दोस्तों, हीट करने के बाद में हमें किसी ब्लेड वगैरह से हमें इसमें थोड़ा सा जगह बनाना है। ये देखिए, हम इसमें थोड़ी सी जगह बनाएंगे इस प्रकार से, और हमें ये जगह बना लेनी है हमारी। ये करने के बाद में दोस्तों, हम इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फंसा देंगे, जैसे कि हमने ये सिम का ये रैपर फंसा देते हैं। आप SRT6 वगैरह से भी ये कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसके अंदर ये इंसर्ट कर देते हैं, और अब हम इसमें दोबारा से थोड़ा हीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हीट करने के बाद में हमें ये इसके अंदर इस प्रकार से ये ओपन करना होगा हमें इसको, बहुत ही केयरफुली इसे करना हमें ये काम। और ये देखिए, इसी प्रकार से हमें ये इस साइड में भी घुमा लेना है। अब ये जहाँ तक हो ठीक है, और उसके बाद में हमें दोबारा से इसको थोड़ा हीट कर लेना है। हमें ज़बरदस्ती किसी प्रकार का खिंचाव नहीं करना है इसमें, हमें हीट कर लेना है ताकि हमारा ये इजीली रिमूव हो सके। ये देखिए दोस्तों, हीट करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से अप की ओर करते हैं, और हम देखते हैं निकलता है तो, अदरवाइज हम थोड़ा सा इसमें हीट और कर लेंगे। हमें थोड़ा हीट और करना पड़ेगा दोस्तों, हमें ये ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हीट होने पे ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा। और ये देखिए, हमने इसको ये रिमूव कर लिया, और ये देखिए हमारा ये डैमेज टच है। अब हम इसमें नया टच लगाएंगे। इससे पहले हमें ये इसकी डिस्प्ले का साइड में ये जो इसके गम है, ये हमें रिमूव कर लेना है, ताकि हमारी नई टच हम जो लगाएँ वो ईजिली लग सके। हमें ये गम को पूरे को रिमूव कर लेना है। हमें इसको बाहर निकाल लेते हैं हमारी डिस्प्ले को, और अब हम इसको इजीली रिमूव कर लेते हैं। अब हम इसमें नया टच लगाएंगे। पहले इसका सेंसर लगा देते हैं,
हम इसके ये इसका ऑन ऑफ, ये हम इनकमिंग वाला इसका वो लगा देते हैं जाली। अब हम ये इसका डिस्प्ले लेते हैं, हम डिस्प्ले इसकी लगाते हैं, डिस्प्ले में फिक्स करनी है हमारी इसके अंदर, ये हमने डिस्प्ले को फिक्स कर दिया। अब हम ये इनकमिंग वाला ये इसकी जाली लगा देते हैं और अब हम इसमें ये नया टच लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ये नया टच लिया है, हम इसका ये नया टच लेंगे। हमें ये रैपर को रिमूव करना होगा इसका, हमने रैपर को रिमूव कर लिया। अभी हमारा ये फ्लेक्स है, ये हमें यहाँ से निकालना है और इसके ऊपर लाकर अच्छे से हमें ये चिपका देना है। ये देखिए दोस्तों, हमें ये इस प्रकार से इसके ऊपर लाकर ये अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि हमारा ये चिपक सके, और हमें उल्टा कर कर इसको इस प्रकार से प्रेस कर देना है ताकि हमारी जो ये मजबूती है वो बनी रहे। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई गम इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ हमारा ऑलरेडी गम लगा हुआ है। अगर गम नहीं लगा हुआ आता है तो हमें ये 27,000 इसके लिए यूज़ करना होगा, लेकिन हमारे इसमें गम ऑलरेडी है तो हम ये 27,000 इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये लगाने के बाद में हमें ये क्या करना है, हमारी ट्वीज़र की मदद से हमें ये इसकी फ्लेक्स को सोल्ड करना है। हमें ये पांचों प्रिंट्स इसके सोल्ड कर देने हैं अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, ये सोल्ड करने के बाद में हमें हमारा ये स्पीकर को सेट करना है, और अब हमारे को हमारा ये बोन लगाना है। बोन लगाने से पहले हम इसका ये लेंस लगाएंगे, ये हमने ये लेंस इसका ये लगाया और ये हमने इसका ये लेंस को लगा दिया। हमें लेंस लगाने के बाद में हमारा ये कवर को हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है और ये कवर इसके अंदर से निकाल कर हमें ये बोन के फिट करना है। ये इस प्रकार से हमें चारों ओर से, ये देखिए दोस्तों, हम इस चारों ओर से हमारे इस बोन को लॉक कर देंगे। ये देखिए, लॉक करने के बाद में हमें हमारा ये स्टिकर को इस प्रकार से ये इसके चिपका देना है। अब हम बैटरी इंसर्ट करके चेक करते हैं हमारा टच का। बैटरी हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर और हमारे मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए, हमने हमारे मोबाइल को स्विच ऑन कर दिया। ये देखिए, हमारा मोबाइल ऑन हो गया, हम इसको चेक करते हैं, हम इसको अनलॉक करते हैं। हमारा अनलॉक हो गया, हम थोड़ी ब्राइटनेस हमारी बढ़ा देते हैं। हमने ब्राइटनेस बढ़ा दी, ये रैपर को हम इसको उतार लेंगे दोस्तों, ये देखिए। और अब हम चेक करते हैं हमारे टच। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टच बिल्कुल वर्क कर रहा है। हम इसको मैसेज में और चेक कर लेते हैं हमारा। हम ये देखें यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे ये सारे वर्क कर रहे हैं। ये देखिए,
ये देखिए दोस्तों, ये हमारे ये बटन्स भी काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सारे बटन्स हमारे काम कर रहे हैं। हम आपको मॉडल चेक करा देते कौन सा है। हम सेटिंग में गए, ऑल सेटिंग में आ गए, नीचे आएंगे, अबाउट फ़ोन में आएंगे और ये देखिए हमारा मॉडल है माइक्रोमैक्स D303। ये देखिए दोस्तों हमारा मॉडल है माइक्रोमैक्स D303। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारे माइक्रोमैक्स D303 का टच पैड रिप्लेस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ में बेल अलर्ट को एक्टिवेट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।